हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे भारत हाईवे इंफ्रा के बारे में। आज है इसका लास्ट डेट, तो ये वीडियो रहने वाली है फाइनल डिसीजन। साथ में हम जानेंगे मुक्का प्रोटीन के बारे में, इन दोनों का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल, और हम जानेंगे इस वीडियो में क्या ये आईपीओ सेफ है या नहीं है, फिक्स इनकम एक इसमें जनरेट हो सकती है तो क्या इस फिक्स इनकम के लिए हमें जाना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी से इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं तो क्या हो सकता है इसके रीजन, जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ गाइज हम एक्सिकॉम और प्लेटिनम इंडस्ट्री के लेटेस्ट डिटेल्स अपडेट के साथ साथ लेटेस्ट ग्रे मार्केट पर भी जानेंगे, जिसमें हमें काफी अच्छी तेजी आती हुई दिखी है, और इनमें से एक आईपीओ ने फर्स्ट से अपना एक जीएमपी में नया हाई बनाया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आ सके और आप इस दी हुई जानकारी का फायदा उठा के अपने लिए सेफ डिसीजन बना सको। तो चलिए अपनी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत हाईवे इंफ्रा से गाइज, ये एक इन्वेट आईपीओ है। आप सभी को डिटेल रिव्यू मैंने बताया ही था कि इन्वेट आईपीओ में आप एक फिक्स इनकम की तरह ही देख सकते हो। इस आईपीओ में आप लिस्टिंग इनकी उम्मीद ना करो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मान लो इसका प्राइस 100 रुपीज है, अभी 108 110 पे लिस्ट हो गया तो लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ खास गेन की उम्मीद नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर जो इनफ पैसा है और आप उम्मीद करो कि लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तो वो उम्मीद छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि जाया जा सकता है। आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन डेट है, हमने न्यूज चैनल पे शेयर कर दिया था, देख लो आप, 1.90 टाइम सब्सक्राइब होता दिखा है, 1:22 का डेटा है। इसके बाद का जो डेटा है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जो कि न्यूज चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर 2 पे लिंक है, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और नंबर 1 पे एक चैनल का लिंक है जहां पे आपको रेगुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे स्विंग कॉल पोस्टल कॉल लर्निंग के लिए ऑडियो सपोर्ट और बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस और सपोर्ट के साथ देने को मिल जाती है हर एक सेगमेंट के लेवल। तो 1 नंबर वाला चैनल 2 नंबर वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, इसके बाद का जो डेटा है आपको मिल, ठीक है। तो यहां पे गाइस देखो, आप क्यूएबी से इंटरेस्टेड अभी तक तो नहीं दिखे हैं, इसके बाद मान लो 2 बजे के आसपास या 2:30 के आसपास हो सकता है इंटरेस्टेड दिख जाए, लेकिन अभी तक उनका ना आना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है इस आईपीओ के हिट होने में। तो फिलहाल ये आईपीओ हो सकता है हिट होने जैसा पैसा इसमें डाल दिया जाए, ये मतलब कैंसिल ना हो, लेकिन इसमें गेन मिल जाए इतना पैसा मुझे लग रहा है मुश्किल ही आएगा। तो अगर जो लिस्टिंग इनकी उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए ही आईपीओ है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा फंड है पार्क करने के लिए। जो भी ये कंपनी कमाती है उसका 90% हमने इन्वेस्टर को वापस करती है एज अ डिविडेंड, तो आप उस डिविडेंड के लिए, जिसमें आप मान लो 8 से 10% तक का डिसेंट सा गेन देखने को मिल जाता है, कई बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, तो उस परमानेंट इनकम के लिए या गेन के लिए, उस डिविडेंड के लिए आप इस आईपीओ में जा सकते हो। और दूसरी कोई उम्मीद ना करो, मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा, ऐसी बात होगी। फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 0 निकलता दिख रहा है, क्योंकि मार्केट इसको लेके श्योर है ही नहीं। तो भारत हाईवे में आप क्या अप्लाई करने वाले हो या नहीं, कमेंट करके बताना जरूर। एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि रिटेलर्स कैटेगरी में आप नहीं लगा सकते हो 15,000 और लॉट। आप चाहो तो इसको अप्लाई करने के लिए 2 लाख से ज्यादा का बिड कर सकते हो, रिटेलर्स ही तो लग जाएगा, लेकिन 15,000 और लॉट नहीं लगा सकते हो, 2 लाख से ज्यादा का बिड इसमें करना होगा आपको, ठीक है। अब जो अगला आईपीओ है वह मुक्का प्रोटीन। मुक्का प्रोटीन का आज सेकंड डे है, इसका डिटेल रिव्यू अब तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा कार्ड्स, जाके देखना क्लिक करके, बहुत बढ़िया तरह से सबको समझा रखा है, ठीक है। कुछ लोगों को उसका बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे गाइस बता दूं कि इस आईपीओ का अगर जो आपको बिजनेस नहीं पसंद आ रहा है तो आप एक बार डिटेल रिव्यू देखो और फिर डिसीजन लो क्या करना है। तो ये आईपीओ 29 को ओपन हुआ था, 4th को क्लोज होगा, 5th को इसकी अलॉटमेंट डेट, 7th को इसकी लिस्टिंग डेट। एक ही फेस वैल्यू पे ₹28 प्राइस बन रखा गया है, और अभी जो सब्सक्रिप्शन डेटा देखने को मिल रहा है हमें वो न्यूज चैनल पे हमने शेयर कर दिया है, 5.05 गुना होता दिख रहा है। रिटेलर्स की तरफ से 7.83 गुना, एनआईज ने 3.91 गुना, क्यूएबीज ने कोटा अपना फुल कर दिया है, ठीक है। और अगर जो देखोगे साइज तो बहुत ही छोटा है, 224 करोड़ का। तो अगर जो 224 करोड़ के हिसाब से देखो तो बहुत ज्यादा ऐसा पैसा नहीं है कि भाई डे 1 पे पूरा हम लगा दें। हालांकि कल शाम को मैंने आपको अपडेट किया था, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका डबल होता हुआ दिख गया, 15 रुपए तक की डिमांड थी, और अभी जो जीएमपी है वो हमें 29 से 30 रुपए निकलता दिख रहा है, ठीक है। इसने भी एक नया हाई बनाया है, स्टार्टिंग में आपको बोला कि एक आईपीओ ने, बट एक्चुअल में 2 आईपीओ ने नया हाई बनाया जीएमपी। कल 29 तक की इसकी जीएमपी थी, फिर बढ़ता दिखा है और 14 से सीधे 30 हो चुका है, तो डबल से ज्यादा ही कहेंगे इसको। इसके हिसाब से करीब 107-108% गेन होता है। तो यहाँ पे जीएमपी डबल हो गई, जीएमपी के भरोसे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बिजनेस और फंडामेंटल के भरोसे लगाना चाहते हो तो आप वो भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन डेटा इतना टाइट नहीं हुआ है कि हम इसको सेफ मान लें। अगर जो मान लो बीच में वीकेंड है, ठीक है, सैटरडे संडे, हालांकि सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं आने वाला उसका, आईपीओ बंद रहने वाला है, और मंडे को आपको जब इसकी क्लोजिंग होती दिखेगी उस टाइम में सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा नहीं हुआ तो वैसे सारा डिस्काउंट हो जाएगा, जो जीएमपी है सब गायब होता दिख जाएगा और छोटी मोटी लिस्टिंग गेन मिल जाएगी। तो भाई मुझे लगता है कि अगर जो सेफ्टी पॉइंट चाहिए तो डे 3 का होना चाहिए, और अगर अग्रेसिव हो तो आप इस आईपीओ में जा सकते हो, बाकी आपकी खुद की इच्छा। और जीएमपी एंड ऑल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन डेटा इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब जो अगला आईपीओ का वो है एक्सिकॉम लिमिटेड, जो कि क्लोज हो चुका है, 1 मार्च को इसकी अलॉटमेंट डेट है, और ये लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे आने वाली है, ठीक है। इस आईपीओ का जो करंट में जीएमपी निकलता दिख रहा है एक्सिकॉम का, वो हमें थोड़ा सा
डाउन होता हुआ दिखा है, करीब 155 से 60 रुपए का, कल तक 165 रुपए तक का डिमांड था, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन होता दिखा है, जिसके हिसाब से करीब 108% तक का गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। जो नेक्स्ट आईपीओ गाइस प्लैटिनम इंडस्ट्री, पिछले आईपीओ की तरह डेट इसकी सेम है, आईपीओ क्लोज हो चुका है। इस आईपीओ जो करंट में जीएमपी है वो में बढ़ता दिखा और नया हाई बनाया इसने 105 से 110 रुपए तक का, जिसके हिसाब से करीब 64% गेन होता है, और इसका जो हाई था वो 62-63% तक का था, अभी 64% तक का गेन अप्रॉक्सिमेटली देने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे एक नया हाई इसने बनाया, तो इसने हाई बनाया है अपना जीएमपी में और मुक्का ने बनाया है, तो इन दोनों ने नया हाई बनाया, इस बात का ध्यान आपको देना है। अब आप बताओ कि आपने इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई किया है या किस में करने का प्लान है, साथ में भारत हाईवे में जा रहे हो कि नहीं ये भी बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हो, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।